वालेकुम अस्सलाम यस मैम। अच्छा आप लोग का टेस्ट क्या फिर डिसाइड हुआ है? सैटरडे को 7:30 इज ओके फॉर एवरीबॉडी? ग्रुप ई में कुछ इश्यूज आ रहे थे, ग्रुप डी और ग्रुप ई मिलके मैंने कहा था कोई डिसाइड कर ले टाइम, तो इज इट ओके कि 7:30 इवनिंग में रख लें सैटरडे को एक क्विज जो है? जी मैम रख लें। मैम वो क्लैश था आपको, हो गया उसका सॉर्ट आउट हो गया वो। ओके कितने बजे जा रहे हैं आप लोग? अगर 7:30 फाइन है सबके लिए या उसमें भी पॉसिबल? ठीक है सैटरडे को 7:30 एमसीक्यूज आप लोग के 15 एमसीक्यूज होंगे और ज्यादातर आसान ही होंगे, तो 20 मिनट्स या चलें 25 मिनट्स कर लें। और जो है वो एक तो सेक्स हार्मोन्स आ जाते हैं और दूसरा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स आ जाते हैं। सेक्स हार्मोन्स के अंदर एंड्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वगैरह आ जाती हैं, और जो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स होते हैं, कॉर्टिको एड्रीनल कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स, उसके अंदर जो है वो एंड्रोस्टेरोन्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दो आ जाते हैं। स्टेरॉइड्स जो है ये क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो लोग जो है स्पेशली एथलीट्स जो होते हैं और जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल अब्यूसिव इस्तेमाल कर देते हैं। एब्यूसिव इस्तेमाल इस तरह के बहुत ज़्यादा एक्सेस में लेने लग जाते हैं, तो स्टेरॉइड्स आर फास्ट कैचिंग अप विद एंटीबायोटिक्स के साथ देते हैं एज द मोस्ट अब्यूज्ड क्लास ऑफ ड्रग्स टुडे। आजकल सबसे ज़्यादा ये यूज की जाती है, एब्यूसिव यूजर्स का मिसयूज किया जाता है। हाई डोजेस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड अदर इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स मे कॉज एड्स। अच्छा इसको जो है ना जो स्टेरॉइड्स होते हैं, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, इनको जो है सिंथेटिकली जो हम प्रिपेयर करते हैं हार्मोन्स, उसमें ड्रग्स देते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स जो इम्यून सिस्टम को स्प्रेस रखता है। इम्यून सिस्टम फॉर एग्जांपल ट्रांसप्लांट, फॉर एग्जांपल ऑटो इम्यून डिजीजेस। ट्रांसप्लांट में ये कि अगर आपने कोई हेल्दी के इशू को लेकर उसको किसी रेसिपिएंट यानी ऐसे बंदे जिसका फॉर एग्जांपल लिवर ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, तो आई का ट्रांसप्लांट होता है कॉर्निया, तो अगर आपने कोई ऐसा पेशेंट है जो कि जिसका लिवर फेलियर है उसको आपने लिवर ट्रांसप्लांट करना है, तो जो भी ट्रांसप्लांट होता है उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं अलॉन्ग विद अदर इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स। उसकी वजह ये होती है कि इम्यून सिस्टम जब भी कोई टिश्यू जो है किसी हेल्दी बंदे का टिश्यू किसी दूसरे के बॉडी में डालते हैं तो वो हेल्दी टिश्यू भी रिस्पॉन्स करता है कि ये नई इन्वायरमेंट है, और जो बॉडी है वो उस रेसिपिएंट को जिसको दिया गया वो भी रिस्पॉन्स करती है
कि ये नई चीज मेरे अंदर डाल दी है ऑर्गन कोई भी. तो जब दोनों रिस्पॉन्स करते हैं या कोई एक रिस्पॉन्स करता है उसका रिएक्शन होता है तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है ताकि जो है वो कोई रिस्पॉन्स ना आए और वो दोनों एक दूसरे के लिए सेंसिबल हो जाए और दोनों जो है वो वहाँ पर रह लें. अब इसी यही वजह है कि इस रिस्पॉन्स की वजह से कि अगर जैसे ट्रांसप्लांट करते हैं तो समटाइम्स ट्रांसप्लांट करते हुए ऑन स्पॉट बंदे की डेथ हो जाती है क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होते हैं, अगर लीवर ट्रांसप्लांट किया तो हमें किसी से थोड़ा सा टुकड़ा लीवर का लेंगे, जस्ट लाइक अ पी साइज जितना आपका मटर का दाना होता है, थोड़ा सा चाहिए होता है, फिर लीवर खुद ब खुद रीजनरेट करता है. इसी तरह किडनी चाहिए होती है तो उसमें एक किडनी पूरी चाहिए होती है. अब जब वो ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो जो जहाँ ब्लड सप्लाई हो रही होती है, जैसे लीवर जो लीवर फेलियर हो चुका है वहाँ से ब्लड सप्लाई का कनेक्शन वहाँ लगा दिया जाता है जहाँ नया ट्रांसप्लांट हुआ होता है, वो चीज़ वहीं पर रहती है. किडनी है तो उसको निकालेंगे नहीं पुरानी किडनी को, जो नई किडनी है वो वहाँ पर उसका ब्लड सप्लाई शुरू कर देते हैं. तो ये वजह का ऑन स्पॉट डेथ इसलिए हो जाती है कि ब्लड वेसल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन के रिएक्शन शुरू हो जाता है. तो ऐसे लोगों को सारी जिंदगी इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स पर रहना पड़ता है और स्टीराइड्स उनके लिए रिकमेंड किए जाते हैं. स्टीराइड्स जो है एड्रीनल ग्लैंड होता है जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजेंस प्रोड्यूस करता है. एड्रीनल ग्लैंड किडनीज के ऊपर होता है और एड्रीनल ग्लैंड जो होता है उसके दो पोर्शंस होते हैं, कॉर्टेक्स होता है और मिडुल्ला होता है. जो कॉर्टेक्स होता है इसकी फर्दर थ्री लेयर्स होती हैं. इसके लिए याद रखें GFR, ये आगे थ्री लेयर्स के नाम दिए हुए. द एड्रीनल प्रोड्यूस वेरियस क्लासेस ऑफ हार्मोन्स ईच ऑफ विच एड इन डीलिंग विद द स्ट्रेस फेस्ड बाय एनिमल्स एंड पीपल ऑलमोस्ट डेली. एक तो ये सेक्स हारमोन्स प्रोड्यूस करता है, उसके अलावा ये क्या करता है ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जो कि स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में राइज हो जाते हैं. हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज करना शुरू कर देता है. जब हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि ये स्ट्रेसफुल कंडीशन है या ये इमोशनली स्ट्रेस है में है या कोई फिजिकली ऐसा काम कर रहा है कि बॉडी स्ट्रेस में है, तो उस वक्त फिर हाइपोथैलेमस को मैसेज जाता है. जो हमारे ब्रेन के अंदर लंबिक सिस्टम होता है वो इंटरप्रेट करके फिर हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजता है कि वो अपने जो हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर है जैसे कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है उसको रिलीज करवाए ताकि वो फिर एड्रीनल कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि ACTH है, हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से वो रिलीज होता है इंटीरियर पिट्यूटरी से. उसके बाद फिर वो जो है एड्रीनल ग्लैंड पर आएगा और एड्रीनल ग्लैंड को मैसेज आएगा जब पिट्यूटरी सेंड करेगा तो जो है एड्रीनल ग्लैंड जो है वो फिर अपने हार्मोन्स रिलीज करेगा. तो जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है चाहे वो फिजिकली कोई बंदा स्ट्रेस में है कोई पेन में है तो उस पेन को उस स्ट्रेस को जो है इंटरप्रेट ब्रेन करता है, उसका लंबिक सिस्टम सेरिब्रम के अंदर होता है ये. फिर वो फर्दर जो है वो हाइपोथैलेमस को मैसेज करेगा. At least two of these groups, glucocorticoids and mineral corticoids, are necessary for life. Corticoids or corticosteroids refer to natural. Naturally भी produce होते हैं और अगर इनकी deficiency हो जाए तो हम बाहर से भी steroids देते हैं. The adrenal cortex is a factory of steroid hormones. 10 to 30 different steroids are synthesized from the tissue, but two classes of most important. इसमें mineral corticoids है. अच्छा, अब जो adrenal gland है उसकी three layers हैं. उसमें सबसे पहली layer जो outermost layer है वो glomerulus है. जो उसके बाद जो दूसरी layer है वो fasciculate है. जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर्स है ग्लोमेरुलोसा, उससे एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है. एल्डोस्टेरोन से याद रखना है कि सॉल्ट वगैरह और वाटर को मेंटेन रखता है, सोडियम कैल्शियम एंड वाटर होम्योस्टेसिस करता है. तो पहली लेयर जो होगी ग्लोमेरुलोसा वो सॉल्टी है यानी एल्डोस्टेरोन. दूसरी लेयर जो होगी वो क्या स्पीड करेगी, कॉर्टिसोल.
जोना फेसिक्यूलेटा या अंदर की लेयर, यानी पहली सॉल्टी होगी दूसरी स्वीट होगी है, ग्लूकोज रिलीज करेगा एंड मेनी अदर होम्योस्टेसिस। ग्लूकोज को ना जो कॉर्टिसोल जब रिलीज होता है तो वो क्या करता है कि कॉर्टिकोस्टेरोन्स वगैरह जो है ये ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में ज्यादा करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जब भी स्ट्रेसफुल कंडीशन होगी तो बॉडी को एनर्जी चाहिए होगी टू कोप विद दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन, वेदर द स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज फिजिकल, सम फिजिकल स्ट्रेस और सम इमोशनल स्ट्रेस, और इट माइट बी सम हाइपोग्लाइसीमिक सिचुएशन। हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है तो उसमें भी बंदे को ग्लूकोज चाहिए होता है, तो कॉर्टिसोल ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं। उसके अलावा एड्रिनल कॉर्टेक्स की एक थर्ड लेयर है जो जोना रेटिकुलरिस है। अब जो जोना रेटिकुलरिस है ये सेक्स हार्मोन एंड्रोजन प्रोड्यूस करेगी, तो बेसिकली ये बात याद रखनी है कि इसकी कॉर्टेक्स की थ्री लेयर्स हैं और थ्री लेयर्स के नाम जी एफ आर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी होता है, तो इसी तरह ग्लोमेरुलोसा ग्लोमेरुलोसा जी से, एफ से फेसिकुलेटा और आर से रेटिकुलरिस, ये थ्री लेयर्स हैं। बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, पहली थ्री एस याद रखने हैं, सॉल्टी स्वीट और सेक्स हार्मोन्स। Adrenal cortex also produce sex steroids, androgens or dehydroepiandrosterone. ये zona reticularis produce करेगा, वो फिर androgens बना देगा। ये cholesterol जो है इन सब का precursor होता है। इस तरह का कोई भी MCQ आ सकता है, cholesterol जो है उसमें ऑप्शंस में दिया होगा, पूछा होगा कि ये हार्मोन या इनका प्रिकर्सर क्या है, एंड्रोस्टेरोन का, कॉर्टिसोल का या एंड्रोजेंस का, ये इस तरह का कुछ दिया होगा। जो कोलेस्ट्रॉल है ये बेसिक प्रिकर्सर है, इससे ये बन रहे हैं थ्रू डिफरेंट पाथवेज। कोलेस्ट्रॉल जो है 27 कार्बन है इसका स्ट्रक्चरली, और इसमें से जब 6 कार्बन साइड चेन ब्रेक हो जाएगा, क्लेविज होगा, एंजाइमेटिकली क्लेविज, प्रीजेनेरोन बनेगा, फिर उससे प्रोजेस्टेरोन बनेगा या 17 हाइड्रोऑक्सी प्रीजेनेरोन बनेगा। प्रीजेनेरोन से 17 हाइड्रोऑक्सी प्रीजेनेरोन, दो चीजें बन सकती हैं। फिर ये प्रोजेस्टेरोन या तो एल्ड्रोस्टेरोन डायरेक्टली बनाएगा या थ्रू 17 हाइड्रोऑक्सी प्रोजेस्टेरोन ये कॉर्टिसोल बनाएगा। इसी तरह 7 हाइड्रोऑक्सी प्रोजेनेरोन जो है या तो एंड्रोजेंस डायरेक्टली बनाएगा या थ्रू दिस 17 हाइड्रोऑक्सी प्रोजेस्टेरोन ये एंड्रोजेंस बनाएगा और कॉर्टिसोल बनाएगा। ये एक मैकेनिज्म है, इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि सब कुछ कोलेस्ट्रॉल से बन रहा है। इसमें एंड्रोस्टेरोन है जो कि जोना जो फर्स्ट लेयर थी जोना ग्लोमेरुलोसा वो बना रहा था, कॉर्टिसोल जो है वो जोना फेसिकुलेटा बना रहा था, एंड्रोजेंस है जो कि रेटिकुलरिस लेयर इनर मोस्ट लेयर बनाती है, ये सेक्स हार्मोन्स है। ये बताया हुआ कितनी रिक्वायरमेंट है डेली, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये हार्मोन बनाएंगे, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन्स इनकी मिलीग्राम्स में दिया हुआ है, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स एल्ड्रोस्टेरोन बनाएंगे, ये 5 to 150 मिली सेंटीग्राम है। फिर ये सेक्स हार्मोन्स है। इसके अलावा दो और हार्मोन्स भी प्रोजेस्टेरोन और ऑस्ट्रोजेंस भी प्रोड्यूस होते हैं। ये ऑस्ट्रोजेंस तो है, अगर ये इनके लेवल कम हो जाए तो फीमेल्स के अंदर फ्रैक्चर्स होने शुरू हो जाते हैं, हिप जॉइंट्स वगैरह फ्रैक्चर होने शुरू हो जाते हैं, तो प्रोजेस्टेरोन फिर देना पड़ता है। ये खासतौर पर जो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है ऐसी वुमेन पे जो पोस्ट मेनोपॉजल होती है। अच्छा, सिंथेसिस बताया हुआ है, वही सारा बताया हुआ है कि हाइपोथैलेमस को मैसेज आएगा कि पिट्यूटरी को पहले हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा, अगर तो रिलीज करवाना है तो रिलीजिंग हार्मोन करेगा, अगर इनहिबिट करवाना है तो अपना इनहिबिटरी फैक्टर रिलीज करेगा या रिलीजिंग फैक्टर ये CRH रिलीज करेगा, ये सी अगर इनहिबिट करवाना है तो इनहिबिटरी कॉर्टिकोट्रोफिन इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करेगा। अब जो ये रिलीज करवाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा, वहां से ACTH रिलीज करवाएगा, एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन।
और उसके बाद फिर एड्रीनल ग्लैंड को मैसेज आएगा और एड्रीनल ग्लैंड जो है वो ये इन्होंने एग्जांपल दी है जोना फेसिकुलेटा की, जहां से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं। अगर ये मैकेनिज्म ज्यादा अमाउंट अगर सफिशिएंट अमाउंट हो तो ब्लड में तो इनहिबिट कर देगा इसको, या तो ये इसको इनहिबिट करेगा या पिट्यूटरी को कह देगा कि वो एसीटीएच से वो ना एसीटीएच रिलीज ना करे। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दोनों को मैसेज कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट हाइपोथैलेमस को कर देगा या फिर ये पिट्यूटरी के थ्रू इनहिबिटरी फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू इनहिबिट करवा देगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। Synthesized and released under influence of adrenal corticotropin hormone या interior pituitary में हो रहा है। Posterior pituitary के भी दो hormones बने थे, किसी को याद है? वो मैम ADH और vasopressin। ADH oxytocin, ठीक है। अच्छा, regulation of synthesis में बताया हुआ hypothalamus pituitary adrenal axis, ये HPA जो लिखा हुआ है, ये तीनों जो इसमें काम कर रहे हैं। अच्छा, regulated by corticotropin releasing hormone from hypothalamus and by feedback levels of blood concentrations। ये इसका बताया हुआ है कि hypothalamus interior pituitary। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो राइज करे, जैसे फिजिकल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, हाइपोग्लाइसीमिया, कोल्ड एक्सपोजर एंड पेन, ये सारे क्या करें हाइपोथैलेमस को रिलीज करे, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा जो इंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा और फिर वो एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा और कॉर्टिसोल रिलीज करवा रहा है, या फिर वो फीडबैक अगर उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है तो थ्रू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इसको मैसेज आ जाएगा कि बंद कर दें। अच्छा, कंट्रोल बाय सर्कैडियन रिदम्स, डायर्नल रिदम्स, मॉर्निंग राइज, जब मॉर्निंग में इसका कॉर्टिसोल ज्यादा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज्यादा रिलीज होंगे उस वक्त, तो उस वक्त जो होगा ज्यादा ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर होते हैं, इसलिए सुबह के टाइम जो ब्लड ग्लूकोज लेवल भी मॉनिटर होते हैं क्योंकि शुगर ग्लूकोज ये सबसे पीक उस वक्त होता है इसका जब ये रिलीज हो रहा होता है, या फिर दूसरा पीक कब होता है जब कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन हो, जैसे कोई एग्जाम हो गया या कोई ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें बंदा जा रहा है उसने कुत्ता देख लिया डर गया बोल, या कोई भी सिचुएशन हो स्ट्रेसफुल, हाइपोग्लाइसीमिक होगा या फिजिकली स्ट्रेस से एक्सरसाइज वगैरह करा तो इसका रिलीज जो है वो ज्यादा हो जाता है। ये ग्राफ शो किया हुआ है नून से लेकर आफ्टरनून से लेकर मिड नाइट तक वो कम हो रहा है, उसके बाद ऐसा ऐसा स्लीप 8 o'clock जो होगा सुबह मॉर्निंग 8 o'clock कॉर्टिसोल लेवल सबसे ज्यादा होते हैं। अभी तक कोई चीज अगर नहीं समझ आई कोई क्वेश्चन? कोई चीज आपको जो पूछनी हो? अच्छा, आप लोग के जो फाइनल होता है या मिड टर्म जो एग्जाम्स होते हैं उनमें क्या एमसीक्यूज होते हैं, उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चंस, पर कितने कितने होते हैं या हर दफा डिफरेंट होते हैं? मैम ज्यादातर एमसीक्यूज होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन मैम एंड पे कोई एक दो दे देते हैं अगर दें तो, नहीं तो एमसीक्यूज ही होते हैं। अच्छा, कोई एक दो शॉर्ट क्वेश्चन होता है मतलब कोई सिनेरियो दे देते हैं कि अगर इस तरह का कोई पेशेंट है तो आप उस पे कौन सी जो मेडिसिन अप्लाई करोगे, इस तरह का कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दे देते हैं, बाकी एमसीक्यूज ही होते हैं। और चॉइस होती है क्वेश्चन में या एक ही क्वेश्चन बस देते हैं? मैम वो टीचर पे डिपेंड करता है कि आपने चॉइस देनी है कि नहीं देनी। अच्छा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो रहे, जो हमने थायराइड्स पढ़े थे T3 T4 उनमें वो स्टोर हो रहे थे, इसलिए जब थायराइड लेवल्स कम हो जाते हैं तो पता नहीं चलता कुछ 2 महीने तो कि हमें थायराइड हार्मोन डिस्टर्ब है इसके अंदर, क्योंकि वो समहाउ बॉडी रिक्वायरमेंट स्टोरेज से पूरी हो रही होती है। लेकिन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जितना सिंथेसाइज होगा उतना ये रिलीज हो जाएगा, सिंथेसाइज रिदमिकली एंड कंट्रोल बाय इरेगुलर पल्सेस ऑफ एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन,
जितने भी हार्मोन्स है पल्सेटाइली वो रिलीज हो रहे थे पल्स की तरह influenced by light and major pulses occur early in the morning and after meals. जब खाना खा रहे उसके बाद भी इसका लेवल ज्यादा होता है. Glucocorticoids act by the receptors located in nucleus. अब जो receptors हैं वो बहुत सारी जगह पे cytoplasm में basically इसका receptor है लेकिन वो unbound form में होता है. जब ये bound हो जाएगा इसके साथ हार्मोन जाकर तो ये translocate होगा nucleus के अंदर चला जाएगा. Glucocorticoids act by their receptors located in the nucleus. Glucocorticoid receptor GR से इसको present किया है. Glucocorticoids receptors are widely distributed located almost in all the cells of the body. They are made up of almost 800 amino acids. ये भी proteins होती हैं जो receptors होती हैं. तो ये 800 amino acids से मिलके बनी होती हैं. अभी हम बताएंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मोड ऑफ एक्शन क्या है. ठीक है, इसके अंदर इन्होंने बताया कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो हार्मोन जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर जो है ये एक डोमेन होती है. दो टू डोमेन्स होती हैं. इसका स्ट्रक्चर बताया है रिसेप्टर का इस स्लाइड में. Glucocorticoid receptors are located in the cytoplasm. One glucocorticoid receptor has a DNA binding domain. जैसे thyroid के साथ जो था T3 T4 था जो कि cytoplasm से translocate हो रहा था nucleus के अंदर. वहाँ वो DNA के साथ जो bind हो रहा था DNA था उसके पहले वो अपने plasma से blood से प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन से जो उसकी प्रोटीन थी बाइंडिंग प्रोटीन उससे रिलीज हो रहा था T3 T4. फिर T4 जो है हमेशा T3 फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था और वो साइटोप्लाज्म से फिर वो जा रहा था सेल के अंदर. वहां पर ट्रांसक्रिप्शन कर रहा था और ट्रांसलेशन कर रहा था. तो मुझे फर्क बताया कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में क्या है. मैम ट्रांसलेशन प्रोटीन होता है और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से पहला प्रोसेस होता है. ट्रांसक्रिप्शन होता है जैसे आपको ट्रांसक्रिप्ट मिलती है एग्जाम के बाद. ठीक है, जब रिजल्ट आ जाए आपने पास कर लिया ट्रांसक्रिप्ट हो गई. तो ट्रांसक्रिप्शन वो वाली होती है कि जब डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट हो गया तो आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल गई. फिर ट्रांसलेशन उसके बाद होती है. ट्रांसलेशन आप इस तरह समझ लें कि अब आप स्पेशलाइज्ड हो गए कि मैंने अब इस फील्ड में काम करना है कि मुझे ट्रांसक्रिप्ट मिल गई है. अब अगर आप स्टूडेंट्स आप लोग एमएनटी के स्टूडेंट्स हो डीपीटी के हो तो आपको स्पेशलाइजेशन मिल गया. अब आप डीपीटी में यहाँ जॉब करोगे तो ट्रांसलेशन. तो इसी तरह ट्रांसक्रिप्शन होता है जब आप डीएनए से आरएनए कन्वर्ट हो गया. अब आरएनए से प्रोटीन जो बनेगी वो ट्रांसलेशन होगी. फिर वो प्रोटीन अपनी रिस्पॉन्स दिखाएगी. अब मैसेंजर आरएनए को पता चल गया कि मैंने प्रोटीन्स बनानी है तो उसको ट्रांसलेशन कहते हैं. वो ट्रांसलेट हो चुका है स्पेशल हो चुका है. उसमें पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है फिर ट्रांसलेशन होती है. तो जिस तरह थायराइड में हो रहा था थायराइड हार्मोन्स कर रहे थे इसी तरह ये भी करते हैं. वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म. वन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर हैज अ डीएनए बाइंडिंग डोमेन. इसका स्ट्रक्चर बताया था कि इसमें दो डोमेन्स होती हैं. एक डोमेन डीएनए के साथ जाकर अटैच हो जाती है चेंज होती है और एक डोमेन जो होती है वो जाकर या चेंज आकर जो है वो हार्मोन के साथ बाइंड हो जाती है. जो डोमेन डीएनए के साथ चेंज होती है उस वो डीएनए के साथ मिलकर ट्रांसक्रिप्शन शुरू करेगी और जो उसके बाद जो लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन जो के हार्मोन उसके ऊपर बाइंड कर जाएगा और एक स्टेबलाइजिंग प्रोटीन्स होंगी. इसे कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन्स HSP से ये लिखा हुआ है. HSP हीट शॉक प्रोटीन्स होते हैं कि जब कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन हो तो अपनी बॉडी के जो सेल्स होते हैं हीट शॉक प्रोटीन्स उन्हें प्रोटेक्ट करती है उन सेल्स को हेल्थी सेल्स को ताकि उनका वियर टियर डैमेज ना हो. तो इसीलिए हीट शॉक प्रोटीन्स के साथ ही मिल के डीएनए बाइंडिंग डोमेन और लाइगेंड डोमेन रिसेप्टर की यानी रिसेप्टर अपने हार्मोन के साथ बाइंड हो जाएगा और नीचे जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उसके साथ बाइंड हो जाएगा. तो दोनों के साथ मिल के इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेबलाइजिंग प्रोटीन हीट शॉक प्रोटीन्स की प्रेजेंस में वो अब काम करेगा. दिस रिसेप्टर इज इनकैपेबल ऑफ एक्टिवेटिंग ट्रांसक्रिप्शन. लेकिन ट्रांसक्रिप्शन तब होगी जब वो न्यूक्लियस के अंदर जाएगा. बाइंडिंग ऑफ फ्री स्टीरॉइड हार्मोन्स टू
रिसेप्टर फॉर्म्स एन अनस्टेबल कंपाउंड. अब ये अनस्टेबल से कंपाउंड बन जाएगा, इसलिए जो इसमें से हीट शॉक प्रोटीन्स होती हैं वो निकल जाती हैं, डिसोसिएट हो जाती हैं, और ये फिर पूरा कॉम्प्लेक्स ट्रांसलोकेट करता है, जाता है न्यूक्लियस के अंदर. न्यूक्लियस के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्स एलिमेंट जीआरई होता है, जीआरई ऊपर उसके बाइंड कर जाएगा. ये इनिशिएटर होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन करवाता है इन द प्रेजेंस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2. इस एंजाइम की प्रेजेंस में ट्रांसक्रिप्शन होती है. इसी तरह यही आरएनए पॉलीमरेज 2 होता है जो कि थायराइड वाले. आपका कैमरा ऑन हो गया है, कोई क्वेश्चन है? तो बेसिकली साइटोप्लाज्म से ये न्यूक्लियस में जा रहा है, वहां इसकी ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, और इनिशिएटर कौन है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्स एलिमेंट जीआरई. ये ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है इसकी आरएनए पॉलीमरेज 2 की प्रेजेंस में. ये क्वेश्चन, ये छोटा सा एमसीक्यू आ सकता है कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा एंजाइम जरूरी होता है, या आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है ये क्या काम करता है. तो ये ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज का रोल होता है. The resulting messenger RNA is transported to cytoplasm. अब जो RNA बन जाता है, प्री मैसेंजर RNA, उससे मैसेंजर RNA बना था, वो जाकर को साइटोप्लाज्म में जाएगा और वहां वो फाइनल अपना रिस्पॉन्स दिखाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस करेगा जो फाइनली रिस्पॉन्स शो करेगी. अब बताया था इसके न्यूमरस एंड वाइड स्प्रेड एक्शंस हैं. अच्छा, अब कार्बोहाइड्रेट लिपिड एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म करेगा, ये फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है. मिनरल कॉर्टिकॉइड्स जो है, एल्डोस्टोन वगैरह क्या करते हैं, किडनी के अंदर से जो है सोडियम को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पोटेशियम का एक्सक्रीशन करते हैं. एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है? एब्जॉर्प्शन होता है कि जब कोई भी ड्रग या कोई भी चीज जो है वो आपका कोई बैरियर पास करके ब्लड सर्कुलेशन में आए. जब ब्लड सर्कुलेशन में आए तो वो एब्जॉर्प्शन होती है, और दूसरा एक्सक्रीशन होती है जो कि ट्यूब्यूल्स में से निकल के एक्सक्रीट आउट हो जाती है यूरिन के थ्रू. तो ये क्या करता है, ये सोडियम की रिटेन रखता है, सोडियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है, सोडियम को ब्लड में ज्यादा करेगा और पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करता है एल्डोस्टोन. तो ये फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है. उसके अलावा नॉर्मल फंक्शन ऑफ सीवियस इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगा, किडनीज वगैरह पर इसका इफेक्ट होगा, स्केलेटल मसल, नर्वस सिस्टम, इन सबको एनर्जी प्रोवाइड करेगा. जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी तो एनर्जी चाहिए होगी बॉडी को टू कोप विद दैट सिचुएशन. तो फिर ब्रेन वगैरह को और स्केलेटल मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, एनर्जी होगी तो वो भागेगा. ग्लूकोज की लेवल्स को राइज कर देता है ये ब्लड में, और प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस एंड नॉक्सियस स्टिमुलाई एंड एनवायरमेंटल चेंजेस. जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस आ गए हैं, कोई नॉक्सियस स्टिमुलाई आ गया, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, उसमें उसको बॉडी को रेजिस्ट करता है और ग्लूकोज प्रोवाइड करता है. परमिट्स एंड फैसिलिटेट्स द एक्शंस ऑफ अदर हार्मोन्स को भी अफेक्ट करते हैं. अगर जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है उसके अंदर आपने पढ़ा होगा, सिंपथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, एड्रेनलिन, नॉरएपिनेफ्रिन वगैरह प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं. तो ये सारा जो एड्रेनल ग्लैंड जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है. परमिसिव एक्शन है कि लाइपोलाइटिक इफेक्ट है इसका, इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर है, इफेक्ट ऑन ब्रोंकियल मसल्स है. ब्रोंकियल मसल्स को ये डायलेट करता है, इसलिए ये जो एस्थमा के पेशेंट्स में भी स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं. तो वो एस्थमा के पेशेंट्स में क्या होते हैं, म्यूकस सिक्रीशंस होती है और एयरवेज कंस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं. तो ये एस्थमेटिक पेशेंट्स को रिकमेंड किया जाता है. उसके अलावा इसकी लाइपोलेटिक इफेक्ट होगा, ये बेसिकली क्या करेगा, प्रोटीन्स के ब्रेक डाउन करेगा, लिपिड्स की ब्रेक डाउन करता है, ताकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो मटीरियल प्रोवाइड करे ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए. तो भी ब्लड हार्ट ब्लड वेसल्स हार्ट पर इफेक्ट क्या होगा कि हार्ट का जो रेट ऑफ हार्ट है उसको ज्यादा कर देगा और वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा. ये मिनरल कॉर्टिकॉइड्स बताया हुआ है कि एल्डोस्टोन इज द प्रोटोटाइप ऑफ मिनरल कॉर्टिकॉइड, एफेक्ट्स एक्ट्स ऑन डिस्टल ट्यूब्यूल्स टू एनहांस एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम.
ये यहाँ से सारी जगह से सोडियम अंदर जाएगा और जो बाहर निकलेगा वो पोटेशियम निकलेगा. इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड हाइड्रोनियम आयंस. सिमिलर इफेक्ट होगा स्वेट ग्लैंड्स के ऊपर, सैलिवरी ग्लैंड्स के ऊपर, कोलॉन के ऊपर. डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल कॉर्टिकॉइड्स एक्शन. अब डेफिशिएंसी अगर इसकी होगी एल्ड्रोस्टोन जो मिनरल कॉर्टिकॉइड था, एल्ड्रोस्टोन कहाँ से रिलीज हो रहा था? एड्रिनल ग्लैंड की कौन सी लेयर से एल्ड्रोस्टोन रिलीज हो रहा था? सॉल्टी स्वीट और सेक्स हार्मोन्स थे ना, तो सॉल्टी सबसे पहली जो लेयर थी जोना ग्लोमेरुलोसा उससे रिलीज हो रहा था. अच्छा अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो शायद सोडियम को एब्जॉर्प्शन करवाना था. अब जो है सोडियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी. जब सोडियम की एब्जॉर्प्शन ब्लड में नहीं जाएगा तो हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं सिचुएशन को. ये कम हो गया सोडियम लेवल ब्लड के अंदर, सोडियम आइंस कम है. या फिर ये क्या करेगा, हाइपरकैलेमिया कर देगा उस सिचुएशन में. हाइपरकैलेमिया ये होगा कि पोटेशियम आइंस बाहर नहीं फेंकेगा, वो एक्सक्रीट आउट ही नहीं करेगा. तो हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगी, मैसिव लॉस ऑफ सोडियम हो जाएगा और डिक्रीज ईसीएफ वॉल्यूम हो जाएगा. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होगा, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वो फ्लूइड था जो सेल्स के बाहर पड़ा होता है या जहाँ से प्लाज्मा फ्लूइड जिसमें आता है, ये सारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है. प्लाज्मा हो गया सेल के बाहर जो फ्लूइड है, तो उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. पोटेशियम अंदर रहेंगे, सोडियम जो होंगे वो बाहर ही रहेंगे. जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, जो कि जरूरी एसेंशियल है फॉर सर्वाइवल. और अगर इसके लेवल ज़्यादा हो जाएंगे तो सोडियम पॉजिटिव सोडियम बैलेंस हो जाएगा. एक्सपेंशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो जाएगा. ईएफसी लिखा हुआ है, ईसीएफ होना चाहिए. इंक्रीज प्लाज्मा सोडियम हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया उसका ऑपोजिट हो जाएगा. अगर कम हो रहे थे तो हाइपोनेट्रीमिया हो रहा था, अब क्या होगा, सोडियम आइन ज़्यादा हो जाएंगे अंदर. अगर ज़्यादा डेफिशेंसी थी तो हाइपरकैलेमिया हो रहा था और अब क्या हो रहा है कि हाइपोकैलेमिया हो जाएगा. अगर ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो जाएगा तो ये पोटेशियम जो है ना ज़्यादा ही बाहर फेंक देगा, एक्सक्रीट आउट कर देगा. अगर ये एल्कलोसिस कर रहा था जब डेफिशिएंट था, तो जब डेफिशिएंट था ये एसिडोसिस कर रहा था, अब ये एल्कलोसिस करेगा जब हाइपर कंडीशन में आ गया. तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे. तो बेसिकली एल्ड्रोस्टोन क्या करता है, मेनटेन करता है, सोडियम को इन करता है, पोटेशियम को आउट करता है. फिर बताया हुआ है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक्शंस कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स पर. इसका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का क्या इफेक्ट होगा? कार्बोहाइड्रेट इसका मेजर जो एम है वो है ग्लूकोज बॉडी में ज्यादा रखना ब्लड के अंदर. प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एम्ड एट प्रोटेक्टिंग ग्लूकोज डिपेंडेंट टिश्यू. ब्रेन और हार्ट को ये ग्लूकोज प्रोवाइड कर रहे हैं. Promote glycogen deposition in liver. It stimulate to form glucose from amino acids. जितने भी हमारे छोटे सब यूनिट्स होते हैं, जैसे अमाइनो एसिड्स प्रोटीन से मिलते हैं, या जब आपका लिपिड ब्रेक डाउन होता है तो ग्लिसरोल्स बनते हैं, ये सारे बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा ये भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं, यानी न्यू फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज करते हैं. तो ग्लूकोज ही बनाना इसका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का बेसिक एम था. ऑल दिस रिजल्ट इन डायबिटीज लाइक स्टैट रेजिस्टेंस टू इंसुलिन. अच्छा अब ये पेरिफेरल टिश्यू में जो नॉर्मल बंदा होता है वो तो पेरिफेरल टिश्यू के अंदर जाकर यूज कर लेता है ग्लूकोज को, पेरिफेरल टिश्यूज में यूटिलाइज हो जाती है. तो जाहिर जब इंसुलिन रेजिस्टेंट टाइप कंडीशन बना देगा तो इंसुलिन की जो ग्लूकोज है उसकी यूटिलाइजेशन नहीं होने देता पेरिफेरल टिश्यूज में. इंक्रीज ग्लूकोज रिलीज फ्रॉम लिवर एंड डिक्रीज पेरिफेरल ग्लूकोज यूटिलाइजेशन. नाइट्रोजन नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस कैटाबॉलिक इफेक्ट करेगा. अमाइनो एसिड्स यूज्ड अप इन ग्लूकोनियोजेनेसिस. अमाइनो एसिड्स यूज हो जाते हैं फॉर मेकिंग ग्लूकोज. मेटाबोलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, मसल वेस्टिंग शुरू हो जाती है, थिनिंग ऑफ द बोन्स एंड स्किन हो जाता है.
ये वही बात चाहिए कि ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनकरेज करेगा, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया करेगा, ग्लूकोज लेवल्स को राइज करेगा। उसके अलावा पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ग्लूकोज को यूटिलाइजेशन नहीं होने देगा, उसको ब्लड में रखेगा। ग्लाइकोजन डेपोजिशन इन लीवर उसको इंक्रीज करेगा, एक्टिवेशन ऑफ हेपेटिक ग्लाइकोजन सिंथेस एंजाइम को। अच्छा ये तस्वीर दिखाई दी है बेसिक, ये क्या करता है, फैट डेपोजिशन हो जाती है फेस के ऊपर और नेक के ऊपर, नेक के आगे पीछे खासतौर पर ये बुल अपीयरेंस देता है, वो फैलो हम्प देता है और मून लाइक उसका वो होता है, फेस हो जाते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन फैट्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी, स्पेशली ये जाकर कहाँ पर स्टोरेज होगा फैट का, सारा फैट का स्टोरेज होगा फेस के ऊपर और नेक के ऊपर। ड्यू टू परमिसिव फैसिलिटेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ अदर एजेंट्स, ग्रोथ हार्मोन, ग्लूकागॉन, एड्रेनालिन, थायरोक्सिन, इंसुलिन, डिपोजिशन ऑफ फैट्स इन फेस, नेक एंड शोल्डर्स, ये बफेलो हम। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फैसिलिटेट हार्मोन सेंसिटिव लाइपोलाइसिस एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड एड्रेनालिन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मीडिएट इंक्रीज इंसुलिन, is a net result in insulin mediated lipogenesis and fat deposition. अब ये क्या कर रहा है कि insulin resistant पहले कर रहा था, उसके result में क्या होगा, insulin जो है वो lipogenesis करेगी, यानी fat ज़्यादा store करेगी और वो ज़्यादातर deposition fat की काम पर होगी, face और neck back of the neck पर ज़्यादा हो जाएगी। Peripheral adipocytes are less sensitive to insulin, but in face and neck और जगह पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा जितना फेस और नेक पर होता है। मून लाइक फेस हो जाएगा और बफेलो हो जाएगा, फैट की स्टोरेज हो गया ज्यादातर फेस वगैरह पे। अभी तक समझ आ रही है आप लोगों को? यस मैम। अच्छा फिर ये क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के एक्शंस क्या है, वाटर एक्सक्रीशन play important role in maintaining the normal glomerular filtration rate. In adrenal insufficiencies, capacity to excrete water is lost, water intoxication. Adrenal insufficiency jo ye capacity to excrete water is lost, theek hai, water intoxication ho gayi. Calcium balance kya hoga, decrease absorption of calcium in GIT, absorption blood mein कम कर देगा ये, एंड इंक्रीज एक्सक्रीशन, उसकी एक्सक्रीशन ज्यादा करेगा, कैल्शियम डिप्लीशन, ऑस्टियोपोरोसिस, उस पर एक्शन होगा इसका। स्केलेटल मसल नॉर्मल मस्कुलेचर एक्टिविटी नीड्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एट इट्स ऑप्टिमल लेवल, स्केलेटल मसल्स को भी इसकी जरूरत होगी। एक्सेस लेवल नीड्स टू मस्कल, अच्छा अब मसल वीकनेस और वेस्टिंग भी ये कर रहा है क्योंकि लाइपोलाइसिस कर रहा है, प्रोटीन ब्रेक डाउन कर रहा है। मस्कुलर वीकनेस ऑकर इन बोथ कंडीशन, हाइपोकॉर्टिसिज्म जब इसके लेवल्स कम होंगे तब भी, और जब हाइपर हो जाएगा ड्यू टू हाइपोकैलेमिया, दोनों सिचुएशंस में मसल जो है वो अफेक्ट हो रहा है, मसल वीकनेस हो रही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर यूफोरिया कर देगा, यूफोरिया होता है किसी को आइडिया है यूफोरिया का? यूफोरिया वो कंडीशन होती है ये जो पेशेंट्स एंटी डिप्रेसेंट्स जैसे ले रहते हैं, जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं उनमें एक साइकिल होता है, पहले राइज करते हैं लेवल्स पे, वो नीचे चले जाते हैं, यानी पहले वो जो होते हैं यूफोरिया, बहुत खुश होंगे, बहुत बोलेंगे, और फिर एकदम से उनको डिप्रेशन हो जाता है। तो यूफोरिया वो कंडीशन होती है जिसमें बंदा बहुत ज़्यादा खुश होता है, एक्स्ट्रा खुशी होती है उसे। एडिसन्स डिजीज, एपैथी, डिप्रेशन, साइकोसिस, हाई डोज में शीजर्स काउंस करते हैं। CVS पर इसका इफेक्ट बताया हुआ है और लिम्फोइड टिश्यू पर बताया हुआ है। CVS में परमिसिव रोल ऑन है प्रेशर इफेक्ट विद एड्रेनालिन एंड एंजियोटेंसिन, मेंटेन टोन ऑफ आर्टरियोल्स एंड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। एड्रेनल इनसफिशिएंसीज के अगर ये लेवल्स कम हो गए लीड्स टू लो कार्डिक आउटपुट, ये बेजो ज्यादातर ये बेजो कंस्ट्रिक्शन कर रहा था तो डायलेट हो जाएगा सब कुछ, ड्रॉप हो जाएगा ब्लड लेवल जो है।
एड्रीनल इनसफिशिएंसीज लीड टू लो कार्डिक आउटपुट हो जाएगी, ये कार्डिक आउटपुट रेज करती है। अब अगर इनसफिशिएंसीज होगी इसकी तो ये कार्डिक आउटपुट जो होगी वो लो हो जाएगी, आर्टेरियल डायलेशन हो जाएगी, पुअर रेजिस्टेंस टू एड्रीनल लीन होगी, कोई इफेक्ट नहीं होगा उसका, रिस्पॉन्स नहीं होगा, पुअर रिस्पॉन्स टू एड्रीनल लीन जो रिलीज होगा उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स हो जाएगा सब कुछ अलॉन्ग विद मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ये कम हो जाएंगे इनके लेवल तो कोलैप्स हो जाएगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो पूरा था। ब्लड के अंदर और लिम्फाइड टिश्यू में बेसिकली लिम्फैटिक लिम्फाइड टिश्यू को डिस्ट्रक्शन करेगी, डिस्ट्रक्शन ऑफ लिम्फाइड टिश्यू इन प्रेजेंस ऑफ मैलिग्नेंसी हम देते हैं लाइटिक एक्शन है इसका, एपोप्टोसिस करते हैं, लिम्फोमास जो होते हैं हॉजकिंस लिम्फोमास नॉन हॉजकिंस उसमें ये स्टीरॉइड्स देते हैं, माइनर इफेक्ट हीमोग्लोबिन के ऊपर आरबीसीज पर है, प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसीज, इंक्रीज इन नंबर आरबीसीज के नंबर को इंक्रीज कर देती है। अच्छा डिक्रीज करती है ये लिम्फोसाइट्स को मोनोसाइट्स को इओसिनोफिल्स को, इसका एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन है, जहां पर भी इंफ्लेमेशन होती है वहां पर सेल्स जो है वो न्यूट्रोफिल जो होते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं, वहां जाकर अगर कोई पैथोजन या कोई बैक्टीरिया आ जाता है बॉडी में तो न्यूट्रोफिल जाकर उस पर अटैक करते हैं, उसको किल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है न्यूट्रोफिल से काम को ब्लड के अंदर ज्यादा कर देता है लेकिन डिक्रीज करता है नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स मोनोसाइट्स इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, तो एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन है इसका। इम्यूनोसप्रेसिव मैंने बताया कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगा और उसके अलावा ये जो है वो एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन है इसका। सप्रेस इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स टू ऑल नॉक्सियस स्टिमुलाई पैथोजेंस केमिकल्स फिजिकल्स इम्यून मीडिएटेड स्टिमुलाई जो साइटोकाइंस वगैरह उसके अंदर से रिलीज होते हैं जो सिग्नल्स रिलीज होते हैं उनको सप्रेस करता है, हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी के एलर्जीज जो होती है उनमें भी स्टेरॉइड्स देते हैं, अंडर लाइंग कॉजेज ऑफ डिजीज इज नॉट कोरेक्टेड, अंडर लाइंग कॉज तो करेक्ट नहीं करता है इम्यून सिस्टम का लेकिन सम हाउ ये देते हैं तो सिम्टम्स कम हो जाते हैं। रिडक्शन इन द कार्डिनल साइंस ऑफ इंफ्लेमेशन, अगर कहीं रेडनेस है स्वेलिंग है हॉट है वो एरिया तो वहाँ पर जाकर जब ये देते हैं तो फाइव साइंस ऑफ इंफ्लेमेशन है उनको ये रिड्यूस कर देती है। एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट आर नॉन स्पेसिफिक एंड कवर्स ऑल कंपोनेंट्स ऑफ इंफ्लेमेशन, इफेक्ट ऑन कॉन्सेंट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ पेरिफेरल ल्यूकोसाइट्स इंक्रीज न्यूट्रोफिल्स एंड देयर एक्टिविटी, न्यूट्रोफिल्स की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। उसके अलावा मैक्रोफेजेस में ये पूरा वो एरेक्डोनिक एसिड पाथवे है जिसमें एरेक्डोनिक एसिड जो है मेटाबोलाइज मीडिएटर्स प्रोस्टाग्लैंडिंस ल्यूकोट्राइन्स और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर PAF सिंथेसिस करता है, उस रिडक्शन ऑफ एरेक्डोनिक एसिड मेटाबोलाइज करते हैं उनको कम कर देते हैं, और फिर फॉस्फोलाइपेज दैट रिजल्ट फ्रॉम एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज A2। ये मैं दोबारा जरा डिटेल में थोड़ा बता दूंगी अभी तक के लिए, मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन हो आपका। बेसिक जो आपको ये आ सकता है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का फंक्शन क्या है, ये कौन सी बहुत सारी ड्रग्स दी जाती है उसमें पूछता है इम्यूनोसप्रेसिव के साथ कौन सी दी जाती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है ये इम्यूनोसप्रेसिव के तौर पर भी काम करती है। आगे इसके जो है इसके अंदर यहाँ तक मेरे ख्याल में काफ़ी है, ये मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूंगी। जो पाथवे है आपको पता ही होगा प्रोस्टाग्लैंडिन का, डिटेल में थोड़ा सा बता दूंगी। इसके क्लिनिकल फीचर्स ये कि ऑटो इम्यून डिजीज इसके अंदर हम देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, उसके अलावा हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स है ये, उसके अलावा ये ट्रांसप्लांट वगैरह जहाँ इम्यून सिस्टम को स्ट्रेस करना वायर देते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज का कोई आइडिया है? अपने ही एंटीबॉडी को ओ कर देते हैं SLE डिजीज। ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं जब आपकी हेल्दी टिश्यूज के अगेंस्ट ही आपका इम्यून सिस्टम खराब हो जाए और वो इंटरप्रेट करे कि जो आपका अपनी हेल्दी टिश्यूज हैं
उनको वो समझ ले कि ये फॉरेन टिश्यूज है और उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दे, ये ऑटोइम्यून होती है। उसके अलावा हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होता है कि जो बंदा कुछ कुछ लोग होते हैं उनके लिए फॉर एग्जांपल कोई चीज़ खा ली उन्होंने, जैसे उनको अलर्ट, जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं वो एलर्जिक होते हैं, ठीक है। अब अगर वो कोई चीज़ ऐसी है स्पेसिफिक जो वो नहीं खा सकते, जैसे कुछ लोगों को ये बेकिंग सोडा, इससे भी एलर्जी होती है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे वो एलर्जिक है केक के अंदर या किसी चीज़ में, जैसे पीनट एलर्जी होती है कुछ लोगों को, तो अगर वो खा लेते हैं तो वो दूसरे लोगों के लिए वो अनहार्मफुल थी, हार्मलेस थी, लेकिन इनके लिए हार्मफुल हो गई है। तो ये एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, इनके अगेंस्ट भी स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं। उसके अलावा ये उसमें एस्थमा वगैरह में दिए जाते हैं, या आगे जितना भी है ये सारा बताया हुआ है, ग्राफ रिजेक्शन को रोकने के लिए, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को रोकने के लिए दिए जाते हैं। ये नेक्स्ट टाइम फिर यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। मैंने मॉर्निंग में इतना ही इनको पढ़ाया था, इनको पिछला रह गया था। इज इट इनफ फॉर टुडे या थोड़ा सा और पढ़ा दूं? मैम काफी है, इतना ही अब्सॉर्ब हो जाए बड़ी बात है। इसमें से हमसे इनको एक दफा रीड कर दीजिएगा, फिर तो टेस्ट है, उसके बाद भी इसके कोई सैटरडे को होगा 7:30 होगा, और अब टिल जो आपने किया एंटी थायराइड ड्रग्स, वो सारी जितना थायराइड वाला पूरा लेक्चर वो शामिल है उसमें, ठीक है। ठीक है मैम, मैम को इसकी ईमेल भी कर दीजिएगा। चीज इसमें ना हो ये जरा थोड़ा सा पाथवे दोबारा बता के यहाँ से फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू जी, ओके।